everybody. I hope I'm audible. Hello, Astha, are you there? Hello. Hi, friends. Okay, hello, Astha, am I audible? Clear hai awaaz? Okay, so should we start or should we wait for some more time? Kuch aur friends ko join in karne de. Kaun kaun hamare saath jud chuke hain? I can see Anjana, I can see Jyoti. Hello everybody. So nice to see you all. Hi all of you. Praveen ma'am, namaskar. This is such a great opportunity. आप सबने मुझे एक मौका दिया है सबसे रूबरू होने का. और यूनाइटेड क्वींस, जैसा कि नाम है, खूब सारी क्वींस हैं इसमें और सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चल रहे हैं. तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आस्था अबरोल एंड प्रवीण अबरोल मैम कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है और एक प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को. बहुत सी लेडीज़ जुड़ी हैं इसमें और मैं शुरू से ही, क्योंकि लेडीज़ से संबंधित आपको पता है, कुछ स्टोरीज़ करती रही हूँ और जुड़ी रही हूँ बहुत सारे आप में से बहुत सी महिलाओं के साथ. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक अपना मंच है जहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं. ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं. एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं इन दिनों में जिस पे काम कर रही हूँ और मैंने एक कंपनी शुरू की है, अर्बन ग्रीन फ्यूचर्स. ठीक है जी, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अर्बन है, शहरी है यानी, और साथ में ही ये ग्रीन फ्यूचर से रिलेटेड है. ग्रीन फ्यूचर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और साथ में ही अगर आप ग्रीन को इन्वर्टेड कॉमा में कर लें तो हमारी अपनी जो हमारी प्रोग्रेस है या हमारी अपनी प्रॉस्पेरिटी से भी रिलेटेड है. ठीक है जी, और अपने फ्यूचर को ग्रीन करने के लिए, प्रॉस्परस करने के लिए, एनवायरनमेंट को ग्रीन करने के लिए, अपनी मदर नेचर को हम हेल्प करें, उसके लिए हम एक नए तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं. ये कॉन्सेप्ट है जी रूफ टॉप पे किचन गार्डन्स बनाने का. ठीक है, हाय शारू, आई कैन सी यू. ओके, आई एम सो ग्लैड आप सब इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं और सब जुड़े हैं. तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी. ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है, पहले तो हम ये बात करें कि किचन गार्डनिंग क्यों ज़रूरी है और आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है. ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि हर घर को अब सेफ़ वेजिटेबल्स चाहिए, सेफ़ फ्रूट्स चाहिए, और हम जितना भी खुद उगा सकें, खुद अपने घर पे उगा सकें, वो हमें करना चाहिए. क्यों, इसका आंसर आप में से बहुतों को पता है. हम डिस्कस कर सकते हैं, आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं. किचन गार्डनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो पंजाब का हाल आप सबके सामने है, इतने केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स हमारे खेतों में यूज़ हो रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियां, इतनी बीमारियां कि जिनका नाम गिनाना भी मुश्किल है, उन सब बीमारियों को हम सब्जियों के साथ अपने घर में लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें अपनी गार्डनिंग, अपनी किचन गार्डनिंग ज़रूरी है.
ठीक है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर हम में से लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। जगह हमारे पास, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे पास या तो कोई ना कोई बालकनी है या फिर रूफटॉप है जो खाली पड़ी हुई है, उसे क्यों ना हम यूज़ करें। और उसे यूज़ करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। रूफटॉप को ही किचन गार्डन यूज़ करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास। तो उनमें से एक ये है कि वेकेंट पड़ी है आपकी छत, कोई खास इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो क्यों ना वहाँ पे हम एक ग्रीन, पूरा ग्रीन बेल्ट अपने घर के लिए बना लें। और वो ग्रीन बेल्ट क्यों ज़रूरी है? वो ग्रीन बेल्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी छत पे डेली इतनी धूप पड़ रही है, हम उस धूप को, उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, दैट इज़ ओके, आप कन्वर्ट कर रहे हो सोलर एनर्जी को, अपने घर के लिए कंज्यूम कर रहे हो, बट मैक्सिमम घरों में नहीं है सोलर पैनल्स, ठीक है। तो उसमें आप इन हरी सब्जियों को छत पे उगाएंगे तो आप अपनी, अपने हिस्से की धूप जो है आपके छत पे पड़ रही है वो कल नहीं आने वाली है, आज की धूप आज ही आपको मिल सकती है। तो क्यों ना उस सोलर एनर्जी को हम फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लें थ्रू द वेजिटेबल्स। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि हम सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को सस्टेनेबल लिविंग में थ्रू रूफटॉप किचन गार्डनिंग। एंड इससे इतनी पॉजिटिविटी घर पे में आती है। अंजना जोशी मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं और उन्होंने रूफटॉप किचन गार्डन बनाया भी है, सो आई एम वेरी श्योर शी इज़ इंजॉइंग इट। एंड रूफटॉप किचन गार्डनिंग के साथ कर सकते हैं, आपके घर की छत हरी भरी रहेगी तो उसके ऊपर आपने जो गार्डन बनाया है वो आपकी छत को ठंडा रखेगा। ठंडी छत रहने की वजह से आपके रूम का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, आपका एसी कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से आपकी बिजली की बचत हो रही है, अगेन हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। हम रूफ टॉप पे किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमारी बहुत सारा पानी हम सेव करते हैं। जिस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसमें हम काफ़ी पानी भी सेव करते हैं, तो अगेन एक वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक तरीका है। और रूफटॉप पे ये भी है कि हम अपनी सब्जियां, अगर हम नीचे उगाते हैं, अगर हमारा कोई गार्डन है जिसमें हम सब्जियां उगा रहे हैं, जैसे कुछ लोग प्लॉट, किसी खाली प्लॉट में सब्जी उगा लेते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई डॉग, स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स आके सब्जियां खराब करने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं उसके, ठीक है। और यही इसको बचाने के लिए आपकी छत जो है बहुत सेफ जगह है। अगर आपकी सब्जियां छत पर है, कोई आपको ये डर नहीं है कि कोई जानवर आके खराब कर देगा या कोई कोई शौकिया उसको निकाल के ले जाएगा या कोई चुरा लेगा, तो ये सब, इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत हो जाते हैं। और साथ में एक ये भी है कि आपकी छत पे जो कीट हैं, मतलब कीड़े मकोड़े हैं जो आपकी सब्जियों को खराब कर सकते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं क्योंकि आसपास वेजिटेशन कम है। अदरवाइज आप अगर किसी प्लॉट में अगर सब्जियां उगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा वीड्स उग जाते हैं, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगती है। लेकिन रूफ टॉप पर जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो वो बहुत कम आते हैं, वीड्स भी और इंसेक्ट्स भी, तो हमारी सब्जियां उनसे भी काफ़ी हद तक बची रहती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूफ टॉप किचन गार्डनिंग का, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सॉयल लेस मीडियम। अब आप पूछेंगे कि सॉयल लेस क्यों और कैसे? सब्जियां आपने अक्सर देखा होगा कि हम तो मिट्टी में ही उगाते हैं मिट्टी, लेकिन आजकल की पंजाब की मिट्टी, हम कहीं की भी मिट्टी को हम कैसे माने कि वो ऑर्गेनिक है, वो सेफ है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट, क्योंकि हम खुद ही, हमने कहीं ना कहीं कभी
दीमक के लिए कभी किसी और वजह से कुछ ना कुछ उसमें छिड़काव किया होता है। हमारे अपने घर पे मैंने जब इतना ज़्यादा नहीं पता था, लॉन में सिर्फ ग्रास उगाने के लिए हम लोगों ने कई बार केमिकल्स यूज़ किए, बट अब थोड़ी अक्ल आई है तो वेजिटेबल्स जो हैं वो सेफ सेफ ऑर्गेनिक सॉइल लेस मीडियम में हम उगा रहे हैं, जिसमें कि कहीं कोई केमिकल ना हो। इसलिए हमारी ये टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक बड़ी सिस्टमैटिक एंड बिल्कुल सिंप्लीफाइड अर्बन हेलो एवरीबडी इज कनेक्टेड। बीच में कुछ इंटरप्शन हुई थी। हमारी इस टेक्निक में हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम सेव करते हैं वाटर, अराउंड 75% ऑफ वाटर हम सेव करते हैं। आप अपने घर में अगर कहीं पे सब्जियां प्लॉट में कोई उगाता है या कहीं क्यारियां बनाई हुई हैं ज़मीन में जब सब्जी उगती है, तो उसमें हम खुला पानी छोड़ देते हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा सब्जियों को चाहिए ही नहीं होता। हम पानी वेस्ट करते हैं। हम लिमिटेड पानी में, साफ पानी में सब्जियां उगाएं, हेल्दी वेजिटेबल्स उगाएं, अपने परिवार को हेल्दी खिलाएं। तो ये आजकल के लाइफस्टाइल की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक ड्यूरिंग सम कन्वर्सेशन मैंने एक लेडी हैं, उनसे मैंने बात कर रही थी इसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, उसने मुझे भी हिला दिया। वो कहने लगी कि मैं डेली अपने बच्चे को बड़े प्यार से खिलाती हूँ, आज ये फ्रूट खा ले, आज ये सैलेड खा ले, सब्जियाँ खानी अच्छी हैं। हम सभी बताते हैं अपने बच्चों को सब्जियाँ खानी बहुत अच्छी है। तो वो कहने लगी, मुझे अंदर से कहीं ना कहीं मैं खिलाते हुए बिना डर रही होती हूँ कि मैं बड़े प्यार से जो वाला अपने बच्चे को खिला रही हूँ, पता नहीं कितने केमिकल्स और कितनी जहरीली चीज़ें इसमें मिली हुई हैं और मैं वही अपने बच्चे को खिला रही हूँ। तो उस लेडी के इन वर्ड्स ने मुझे ना झकझोर दिया बहुत ज़्यादा। और मैंने उन्हें यही समझाया, मैंने कहा हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए कि हम अपने बच्चों को सेफ फूड खिलाएं और उन्हें एक हैबिट डालें, अभी से बचपन से ही एक हैबिट डालें कि अपनी सब्जियां खुद उगाई जा सकती हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। उनका ईवीएस का प्रैक्टिकल घर पे ही क्यों ना हो जाए, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसमें। और इस टेक्निक से आप इजीली अपने घर पे सीजनल वेजिटेबल्स कैसे उगाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें इसमें जैसे छत के लिए मैंने आपको बताया, छत पर ये है तो कई लोगों को ये शंका होती है कि छत पे लीकेज हो जाएगी, सीपेज हो जाएगी, सिलाब आ जाएगी। तो उससे निश्चिंत करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसे ग्रो बैग्स हैं जो यूवी प्रोटेक्टेड हैं, जो बहुत ही अच्छे HDPE मटेरियल के बने हुए हैं, जिसमें से कोई किसी तरह की सीपेज की, लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं रहती, बिकॉज वो टोटली वन पीस का बना हुआ बैग है, ग्रो बैग कह सकते हैं हम उसे, लेकिन वो क्यारी की तरह काफ़ी बड़ा है। ठीक है जी। और इसमें हमारी ड्रिप लाइन जो है, ड्रिप लाइन से जब पानी जाता है तो वो बिल्कुल सीमित मात्रा में मिलता है। और इसीलिए हम इस टेक्निक को इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी, जैसे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं पौधों को धूप, पानी, हवा चाहिए, लेकिन उन्हें पानी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। और हम तो उन्हें बिल्कुल डुबो देते हैं, हम उन्हें बिल्कुल ड्राउन करने पे तुल जाते हैं कि और पानी दो, और पानी दो, तो ये और ज़्यादा अच्छे होंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड पानी चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इस टेक्निक के लिए
आपको मैं अभी अपने रूफटॉप किचन गार्डन की तरफ लेके जाऊंगी। एक मौका है कि मैं आपको सिर्फ अंदर बैठ के नहीं अपनी रूफटॉप किचन गार्डन की भी सैर करवाऊं, और साथ में ये भी बताऊं कि इन सब्जियों से आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल में अगर इसको अपनाते हैं आप, एक तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, दूसरा आपकी अगर आप खुद थोड़ी मेहनत करते हैं आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, सुबह सुबह फ्रेश एयर में इन पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन में आप एक तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज में आप सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, अपनी पौधों का भी फ़ायदा कर रहे हैं और अपनी फैमिली का भी फ़ायदा कर रहे हैं, जिन्हें इतनी अच्छी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां मिलने वाली हैं। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे हम अपनी छत से जब कोई चीज़ उतार कर लेके आते हैं, कोई फ्रेश सब्जी उतार कर लेके आते हैं बनाने के लिए, तो जो भी बनाने वाला है, चाहे कोई गृहिणी है या जो भी बनाने वाला है, उस सब्जी को पकाते हुए इतनी खुशी होती है। एक छोटी सी भी कोई चीज़ हम लेकर आए छत से, तो उसको बनाने का आनंद और उसको खाने का आनंद और उसमें टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आप महसूस करेंगे कि कितने प्यार से मैंने उसे उगाया है, उसे अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए उगाया है, और उसे बड़े प्यार से आप पकाते हैं, खिलाते हैं, उसे प्यार बढ़ता है बिल्कुल, और इसीलिए एक विन विन सिचुएशन है, हर तरह से विन विन सिचुएशन है कि हम अपना फूड खुद उगाएं। और इस इन दिनों में कोरोना काल में आपने देखा होगा बाहर की सब्जियां खरीदते हुए, लेते हुए, खाते हुए, सब सबको डर लग रहा है, सब डरे हुए हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मिनिमम इसमें देखिए, आपका ये सबसे शॉर्टेस्ट मैं कह सकती हूँ कि एक फूड चेन है, सिर्फ आपको कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई आपके बीच में कोई दुकानदार नहीं आ रहा है, कोई रेड़ी वाला नहीं आ रहा है, कोई आड़ती नहीं आ रहा है, किसी के हाथ नहीं लग रहे हैं एक्स्ट्रा, सिर्फ आप अपने खुद के हाथों से उतार कर लाइए और सब्जी किचन में लाकर पकाइए। दैट इज़ इट। इतना शॉर्टेस्ट फूड चेन ये आपका किचन गार्डन आपको देता है, एंड दिस इज़ सो सेफ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी, अगर आप में से कोई भी ये बनवाना चाहता है, कुछ सब्जियाँ उगाना सीखना चाहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगी और मैं बता भी देती हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर भी लीजिए। 9988016222 ये मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, और भी कुछ जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये गार्डन है, इसके कंपोनेंट्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, तो उसके लिए हम लोग मेरी रूफटॉप किचन गार्डन की तरफ चलेंगे। तो आई होप कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो। थैंक यू आस्था, आपका बहुत प्यारा कमेंट है, वाओ वेरी वेरी ग्रीन एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट, मच नीडेड थिंग्स ऑफ टुडेज लाइफ। ऑफ कोर्स आजकल के लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना जो खुद का खाना है वो खुद अपने यहाँ पे उगाएं चीज़ें, और खुद ही हम इसे यूज़ करें। मैं आपको अपनी छत पे लेके चल रही हूँ अब। ये नीड ऑफ द आर है, ये जो कॉन्सेप्ट है या ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपना सेफ फूड, जितना भी हम खा सकें सेफ हो हमारा फूड, और हम अपने हिस्से की सनलाइट का यूज़ करें, हम बीमारियों से बचें। तो मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ अपना गार्डन। आई होप आप सबको, छत पर मक्की उगी हुई आप में से पता नहीं किसी ने देखी है या नहीं, बट आज लाइव आपको दिखा रही हूँ।
यूनाइटेड क्वींस के लिए एक रूफटॉप किचन गार्डन की सैर है ये। आई होप ऑल द क्वींस विल बी इंजॉइंग इट। ये मेरे गार्डन में मक्की उगी हुई है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लगा हुआ है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तोरियाँ, तोरियों का ये यूनिट है मेरा। ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ये बड़ा इजी टू मेंटेन है। ये देखिए अंदर भी इसमें, जैसे यहाँ भी उग रही है, ये आ रही है एक छोटी सी प्यारी सी। इस तरफ करेले का यूनिट है, इस तरफ तर लगा रखी है मैंने, जिसकी फोटो भी शेयर की थी कुछ तो। ये वो अभी मैंने, बड़ी हो गई है। ये देखिए करेले, करेले खूब बढ़िया करेले आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस लगाए हैं अभी कुछ दिन पहले, तो ये आने अभी शुरू हुए हैं, ये छोटे छोटे हैं। इस तरफ पालक लगाई है। इधर ये घिया है। इधर बैंगन लगाए हैं। काफी उतारे भी हैं। ऑलमोस्ट डेली सुबह जब आती हूँ तो थोड़ी थोड़ी सब्जी उतरती है, तो वो फिर। और ये ग्रो बैग, ये वाला जो है ये फ्रूट बैग है। फ्रूट्स भी आप लगा सकते हैं अपनी छत पे। इधर मिर्ची लगी है, ये देखिए। इधर भिंडी, भिंडी के भी खूब बढ़िया ये हो गए हैं पौधे। तो ये इस तरह का है। अपनी छत पे देखिए आप कि ये एक एक ये छत है हरी भरी, और एक ये छत है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन फील द डिफरेंस। पूरी सन की एनर्जी जो है हम यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह हम मैं कर रही हूँ। ये जो है ये हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है। पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि आप अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट इन द सेंस कि अगर आपका बाई चांस ट्रांसफ़र होती है, या आपको कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, 6 महीने के लिए पैकअप करना है, तो आप इसको डिसमेंटल करके, जैसे ये जॉइंट्स हैं इनसे ये खुल जाता है, आप इसका मटेरियल निकाल सकते हो, बैग्स में भर लीजिए, बोरियों में भर लीजिए, और उसको पैक करके रख दीजिए। जब वापस आएंगे तो आप लगा सकते हैं, या कहीं शिफ्ट करते हो, ट्रांसफ़र होती है, तो आप वहां जाकर भी इसको लगा सकते हैं। अब बहुत इजीली लग जाता है। और इसमें जो मैं ड्रिप इरिगेशन की बात कर रही थी, ये सिर्फ मैंने स्विच ऑन किया है यहाँ से, और इसमें ये आपको बूंदें दिख रही होंगी। ये सिर्फ आप गौर करिए कि ये ड्रिपर के पास पास प्लांट्स हैं। हर ड्रिपर के पास प्लांट है, क्योंकि हमें पानी जो है सिर्फ रूट्स को देना है। रूट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसी एरिया को पानी दें। उसी एरिया के पास पानी जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये ड्रिप सिस्टम से पानी दिया जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्विच ऑन करना है और वो मोटर ऑन हो जाती है, और उससे आप
अपने प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। ये सभी यूनिट्स इंटरकनेक्टेड है, तो एक बटन ऑन करने से ही दूसरे यूनिट में भी पानी चल रहा है। ये देखिए, आई होप नज़र आ रहा है आपको ड्रिपर से पानी आता हुआ। और इसका मीडियम जो है, अब बात कर लें मीडियम की, पहले मैं ये बता दूं आपको, जो ये ग्रो बैग है, ये ग्रो बैग बहुत ही थिक मटेरियल का है और इसमें कहीं पे भी कोई सिलाई या कोई हीट सील्ड जॉइंट नहीं है। सिलाई सिर्फ आपको यहाँ फ्रेम के लिए दिखेगी। फ्रेम जो है, फ्रेम का अपना महत्व है। ये जो फ्रेम है इसका, ये आप देख देख रहे होंगे, ये फ्रेम है, इसका अपना एक महत्व है। इसमें जैसे आपको सामने ये ग्रीन नेट दिख रहा होगा, ये ग्रीन नेट गर्मियों में इस तरह से हम इस पर ढक देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा धूप से या सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड से, फ्रॉस्ट से प्लांट्स खराब ना हो। तो ये एक तरह से शेड का काम भी करता है। इस फ्रेम की वजह से हम ये कर पाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, एक तो सपोर्ट भी मिल रहा है, इस बैग को सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपर इसके लिए। तीसरा, इसकी ये जो ड्रिप लाइन है, इसके लिए ज़रूरत है इसकी। चौथा ये कि इस पे जो ये ट्रेलिसिंग हुई है, सारी बेलों की जो बेलें बांधी गई हैं, ये बेलें इस तरह से हम जाल बना देते हैं इसके ऊपर। जाल बना के बेलें इस पे चढ़ा दी जाएं तो बहुत इजी हो जाती है मैनेज करनी। नहीं तो इस मौसम में बेलें बहुत तेज़ी से बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं, तो दूर दूर वाली सब्जी आपकी आप उतार भी नहीं पाते। बट इस पे बहुत इजीली ये मैनेज हो जाता है। तो ये इस फ्रेम की खासियत है। और अब मैं बात करती हूँ इस मीडियम की। ये मीडियम देखिए, मीडियम मिट्टी नहीं है, मिट्टी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है इसमें। ये टोटली खाद, कोकोपीट, कल्चर्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब, और सारे के सारे बायो न्यूट्रिएंट्स, नथिंग केमिकल इज यूज्ड। तो ये इस तरह का मीडियम, और इतना सॉफ्ट कि आप हाथ से भी होइंग कर सकते हैं। आपको कोई बहुत जोर जमाई की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो ईजी एंड जस्ट सी, इतनी प्यारी लगती हैं ये बूंदे जब पानी आता है इसमें ड्रिप लाइन में। तो ये इसलिए, और कहीं आपको कितनी कम इसमें कोई खरपतवार वगैरह बहुत ही कम दिखेगी आपको, बड़ा इजी टू मैनेज हो जाता है ये। और होइंग इसलिए ज़रूरी होती है, हम होइंग ज़रूर साथ साथ करनी पड़ती है, सो दैट इसकी जो रूट्स है, रूट जोन है, उसको भी एरेशन की ज़रूरत होती है, उसको भी हवा की ज़रूरत है। जब आप थोड़ा इसको ऐसे होइंग या गोडी करेंगे तो उससे रूट्स को भी एयर मिलेगी और वो बेटर ग्रो करेगी, प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ तो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था, ये है हमारा नया कॉन्सेप्ट और नए तरीके का किचन गार्डन। हमें कोई भारी भरकम गमले छत पे लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें भारी भरकम कोई चीज़, कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा वजन वाली लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ लोगों को लगता है कि ये इसका वजन तो छत पे ज़्यादा नहीं हो जाता है। हर छत के लिए आर्किटेक्ट्स ये कहते हैं कि पर स्क्वायर फीट हम 25 kg हम अलाउ करते हैं कि आप पर स्क्वायर फीट पे 25 kg वजन डाल सकते हैं। बट ये जो है मीडियम, इतना सॉफ्ट और हल्का है ये वेट में, कि इसका पर स्क्वायर फीट वजन करीब 11 किलो आता है, 11 से 12 किलो आता है। इसलिए ये छत के लिए ना तो भारी है, ना कोई सीपेज है, ना कोई खलारा है। आप देखिए कि कोई कीचड़ नहीं हो रहा है, पानी दिया जा रहा है तो कोई कीचड़ नहीं है कहीं। और इसका एक सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है। ये नहीं है कि इसमें पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी इसमें भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम भी होता है जो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसमें ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, और ये आपकी जो छत की ड्रेनेज है वहाँ तक जाता है। और सिर्फ
आपका जो एक्स्ट्रा पानी है यूनिट में उसी को निकालता है, अदरवाइज बाकी जो आपका न्यूट्रिएंट्स और ये जो इसके इसका मीडियम है, ये सॉइललेस मीडियम जो है ये नहीं बह जाएगा, सिर्फ पानी निकलेगा। ठीक है जी, ये आप देखिए कि ये पानी थोड़ी देर चलाया है हमने, और हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना पानी हो गया है, हमें ज़्यादा चाहिए या और चाहिए या नहीं चाहिए। थोड़ी सी नीचे से हम ऐसे मिट्टी लेते हैं, ये जो कि सॉइललेस है वैसे, इसको थोड़ा सा निचोड़ के देखते हैं। अगर एक दो बूंदें आ रही हैं, जैसे ये थोड़ा मैंने निचोड़ा है, तो एक दो बूंदें जब आती हैं तो मतलब सफिशेंट है पानी। एक दो बूंदें गिर रही हैं तो मतलब अब काफ़ी हो गया है पानी। आपके सामने मैंने इसे ऑन किया है, सुबह आज मैंने पानी नहीं दिया था, बस अभी अभी ऑन किया है 5-7 मिनट, तो इतना सफिशेंट है, इतना पानी इसके लिए काफ़ी हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी तो कल भी पानी नहीं दिया गया इसको, आज इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक स्विच ऑफ कर दिया तो सारे के सारे यूनिट्स में पानी जाना बंद हो गया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक्चुअली नीचे रह गया है, हम इसके साथ एक इनपुट किट देते हैं सभी कस्टमर्स को, एक इनपुट किट होती है जिसमें कुछ स्प्रेज हैं, ये स्प्रेज आपके प्लांट्स के लिए टॉनिक्स की तरह हैं, ये आपके प्लांट्स को हेल्दी रखेंगे, और साथ में कोई भी बीमारी आए आने से बचाएंगे उनको, कोई बीमारी अगर आ भी जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है आने की संभावना रहती है, कोई बीमारी आ भी जाती है अगर, तो उसी इनपुट किट में से हम आपको बता देते हैं कि फलानी प्रॉब्लम के लिए आप फलानी जो मेडिसिन है या जो टॉनिक है वो यूज़ करिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या इजीली कर पाएंगे स्प्रेइंग या सब कुछ कर पाएंगे क्या, तो वो हमने इतना इजी टू यूज़ बनाया है कि उनके नाम हमने रखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और पूरे हफ्ते के जो हैं आप पूरे हफ्ते के मंडे से संडे तक के स्प्रेस आपको हर दिन के हिसाब से करने हैं, एक एक 1 लीटर में वो सिर्फ 2 मिलीलीटर डलता है, और टोटली बायो स्प्रेज हैं, कहीं इनमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है जी, और साथ में इनमें एक रूट फर्टिलाइज़र भी हम देते हैं, इसमें 3 तरह के रूट फर्टिलाइज़र हमारी इनपुट किट में आपको मिलेंगे। रूट फर्टिलाइज़र से वो रूट फर्टिलाइज़र आप जहाँ से पानी आ रहा है उसके लिए अलग अलग उस बकेट या टंकी लगती है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम्स जितने आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम बकेट या टैंकी लगाते हैं, और उसमें ही रूट फर्टिलाइज़र डाला जाता है, वो भी बहुत कम डलता है, मतलब 2 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम्स अगर हैं तो सिर्फ 2 ml डलना है, वो हम डालते हैं हफ्ते में 3 बार और ऑल्टरनेट वीक्स पे, यानी 15 दिन पे। तो ये जो इनपुट किट मैं बता रही हूँ आपको, ये चलती है 4 महीने, 2 यूनिट्स पे ये चलती है जी 4 महीने, यानी एक सीज़न आपका सब्जियों का जो है ये एक इनपुट किट से निकल जाता है, और आपकी सब्जियां हेल्दी और प्रॉब्लम फ्री रहती हैं। अब कई कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें, अगर हम बिगिनर्स हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सी सब्जी कब उगानी है या क्या कैसे करना है, तो क्या सपोर्ट रहती है उनके लिए? हमने आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ये देखिए मैं आपको सब कुछ ऑनलाइन ही बता रही हूँ, तो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम ये रहता है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, आपका सिर्फ काम ये रहता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रोग्रेस है आपके गार्डन की, आप हमें फोटोग्राफ्स भेजेंगे तो हम उसकी उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो इस तरह से, और उस ग्रुप में कंपनी
मेरी कंपनी जो है, मैंने अर्बन ग्रीन फ्यूचर्स शुरू की है, लेकिन मैंने फ्रेंचाइजी ली है द लिविंग ग्रीन्स की। ये द लिविंग ग्रीन्स की फ्रेंचाइजी है जिसके ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम्स हैं। ये कंपनी जयपुर की है और हम जो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में कंपनी से एक एग्री एक्सपर्ट होता है। उस ग्रुप में कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रतीक तिवारी भी शामिल रहते हैं। तो आप लोग अपनी क्वेरीज उस ग्रुप में डाल सकते हैं। जो भी हमारा कस्टमर होता है उसका एक अलग ग्रुप बनाया जाता है ताकि वो अपनी फोटोग्राफ्स शेयर करें अपने गार्डन की, और उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड करते रहें। तो यानी ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम हमारा हर वक्त अवेलेबल रहता है और दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से है जी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड आई कैन सी सम कमेंट्स। ओके, शारु जैन जी कह रही हैं रियली सच एन ऑसमली हेल्दी सब्जेक्ट। यस शारु जी, दिस इज डेफिनेटली हेल्दी। हेल्दी फॉर द फैमिली, हेल्दी फॉर योर सेल्फ, हेल्दी एक तरह से मेंटली। आपको इतना स्ट्रेस रिलीव होता है जब आप गार्डन में आते हो। हर सुबह मैं आती हूँ तो दिल खिल उठता है सुबह सुबह ही। और थैंक यू प्रियंका, सतेंद्र शर्मा जी आप कह रहे हैं लवली सेशन, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ही पसंद आया होगा और आप लोगों की सजेशंस भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं एंड आई विश कि आप लोगों से भी और सीखने को मिले। थैंक यू मीनाक्षी जी, सुपर लाइक्ड, सुपर यू आर। ओके दीप्ति तलवार जी, थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी और घर पे रहकर सब्जियां उगाइए। आजकल टाइम भी है आपके पास काफ़ी। कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई कोई कुछ पूछना है तो ज़रूर याद करिए। वंदना बाली हूँ मैं और मेरा नंबर है 9988016222। आई कैन रिपीट, 9988016222। मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी या आई वुड रिक्वेस्ट आस्था टू पुट इट सो दैट एवरीबडी हु एवर वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद मी दे कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। थैंक यू रंजीत मिन्हास। यस डेफिनेटली वी ऑल मस्ट अडॉप्ट दिस लाइफ स्टाइल। और हेल्दी सब्जियाँ बच्चों को उगानी सिखाइए, खानी सिखाइए, और यही आजकल की ज़रूरत भी है। ओके थैंक यू आस्था। आई हैव फिनिश्ड विद माय प्रेजेंटेशन। एनीबडी, इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन इज़ वेलकम टू डू सो। किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके शिवानी जी, थैंक यू। थैंक यू रंजीत जी, इफ यू फाइंड द प्रोजेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, किसी किसी की क्वेरी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। ओके वी विल वाइंड अप। यस रंजीत मिन्हास जी, प्योर वेजीज हैव नो मैच एट ऑल एंड दे टेस्ट सो डिफरेंट, सो गुड। बिल्कुल अलग और अच्छा टेस्ट होता है इनका, बहुत डिफरेंट होता है बाजार की सब्जी से। तो इसके साथ ही आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू आस्था अब्रोल, प्रवीण अब्रोल मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मी दिस चांस। सी यू गाइज सम टाइम लेटर।
ओके, कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कॉस्ट का मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, और ये आपकी ये नहीं है कि एक सीज़न में ये चला जाना है या ख़त्म हो जाना है, ये सालों साल चलने वाला आपका एक तरह का खेत है, जो आपके पास जिन लोगों के पास अगर जगह नहीं है अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है सब्जियां उगाने के लिए, उनके लिए ये है। और इसकी एक सिस्टम की कॉस्ट अराउंड 17,000 है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, इंक्लूसिव ऑफ दिस बैग, द फ्रेम, द ड्रिप लाइन, द मटेरियल, द इंस्टॉलेशन, जो कुछ भी सामान इसमें इस्तेमाल होना है, जो भी सामान इसमें इस्तेमाल होता है इंस्टॉलेशन में, चाहे वो मोटर हो, बकेट हो या कुछ भी हो, और इनपुट किट जो आपको मैंने बताई थी जो 4 महीने चलने वाली है, वो भी इसमें इंक्लूसिव है। तो टोटल इसका, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। तो इसकी कॉस्ट अभी हमने 17,000 रखी है। एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस फॉर यूनाइटेड क्वींस, फॉर यूनाइटेड क्वींस आई वुड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़ पर यूनिट। अगर मुझे आज आज में किसी का ऑर्डर आता है तो उनके लिए 500 रुपीज़ पर यूनिट का डिस्काउंट भी मैं यूनाइटेड क्वींस को देना चाहूँगी, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी इसे खरीदना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। जी अंजना जोशी जी, दिस कम्स टू अराउंड 1 पैसा पर डे, और हम लोग कितने पैसे अपने सूट्स पे, अपने और कितनी एक्सेसरीज पे अंधाधुंध खर्च देते हैं, पर ये चीज़ जो सालों साल चलने वाली है, और इसका जो मीडियम है, ये जो मीडियम मैं बता रही हूँ आपको, ये दिन पर दिन और ज़्यादा एनरिच होता जाता है और ज़्यादा फर्टाइल होता जाता है। तो हर सीज़न में आप पाएंगे कि ये और ज़्यादा फर्टाइल हो गया। तो इसमें आपको मैं जो ये सेटअप करके देते हैं हम, बिल्कुल रेडी टू यूज़, और यहाँ तक कि आपको प्लांट्स और सीड्स भी हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। और कुछ जैसे आपकी जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स के लिए हम हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी होती हैं, सर्विसेज भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, इंस्टॉलेशन तो फ्री है ही। राइट, थैंक यू सो मच आस्था जी, इफ़ यू फाउंड दैट अमेजिंग, थैंक यू। रंजीत जी का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर अवेलेबल फॉर सोइंग? रंजीत जी, वी हैव हाइब्रिड सीड्स, दे आर हाइब्रिड सीड्स, बट वी ट्रीट देम बिफोर सोइंग, उन्हें हम ओवरनाइट सोक करते हैं, और उन्हें एक हमारा बीजामृत है, एक कंपोनेंट जो इनपुट किट है उसमें ही बीजामृत होता है, उससे ट्रीट करते हैं हम, ताकि क्योंकि उस पर कोटिंग होती है, वो कोटिंग उतर जाए, उससे उसके बाद बिल्कुल सेफ होती हैं वो सो करने के लिए, और उनसे हेल्दी प्लांट्स होते हैं। एनीथिंग एल्स प्रियंका जी? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट द कॉस्ट। मीनाक्षी जी, आपको भी मिल गया होगा आंसर। आस्था वॉज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द कॉस्ट, सो इट इज 17,000, बट आई अश्योर यू, यू विल नॉट फाइंड इट कॉस्टली वेन यू यूज इट, वेन यू जब सालों साल बाद आप देखेंगे कि एक बार जो खर्च किया था वो आपका, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कितनी अच्छी हेल्दी सब्जियां देती जा रही है हर सीज़न के, एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में, और ये मीडियम जो है और ज़्यादा फर्टाइल होता जा रहा है, तो आप डेफिनेटली, आपको आप कहेंगे कि और यूनिट्स लगवाने चाहिए, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, शुरू में कम सही बट बाद में वो और यूनिट्स के लिए जाते हैं। तो यूनाइटेड क्वींस के लिए मैंने अनाउंस किया है 500 रुपीज़ का डिस्काउंट पर यूनिट, आज आज में अगर कोई मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं तो।
और कुछ भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज का जवाब देने की। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक वी शुड वाइंड अप, इज दैट ऑल? कुछ और किसी ने पूछना है क्या? हाँ, गाइडेंस फ्री है अंजना जी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, टोटली हैप्पी। ओके आस्था, थैंक यू सो मच। ये शारु जैन, यस ये। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू आस्था, थैंक यू रमनजीत कौर जी, थैंक्स फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। रजनी विद जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू आस्था, आई वुड टेक योर लीव ऑल ऑफ यू।